चलो नहीं आप लगाओगे, आप लगाओगे अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शेप एक्ट टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रहे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस टाइम भाई खड़ा हुआ कराची में, कराची द लेजेंडरी सिटी फॉर स्ट्रीट फूड, और मेरा ख्याल है कि कह सकते हैं कि स्ट्रीट फूड का हब जो है वो कराची है। एक बिजी केओटिक शहर, लेकिन मुझे हर दफ़ा जब भी मैं कराची पहुंचता हूं मुझे एक अलग वाइब आती है, अलग एक एनर्जी फील होती है, एक स्पीड फील होती है जो कराची के अंदर चल रहा है। मतलब इतना तेज़ शहर है, और क्या खाने हैं यहाँ पे वो आप सबको पहले भी पता है, और मैं हमेशा कराची आने के लिए बहुत एक्साइटेड होता हूँ। जो यहाँ का फूड है, जो फूड स्ट्रीट्स, जगह जगह आपको खाने के स्टॉल्स, बिरयानियाँ, निहारियाँ, कढ़ाइयाँ, बारबेक्यू और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आज हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है, जिस सीरीज़ का नाम है फूड का पाकिस्तान विद इन ड्राइवर, और दिस इज़ गोइंग टू बी द पाकिस्तान्स बिगेस्ट फूड टूर। आज हम शुरू कर रहे हैं कराची से, और हम जाएंगे पेशावर तक खाने खाते हुए। तो किस लेवल पे एक्साइटमेंट है आप खुद इस चीज़ को इमेजिन कर सकते हो कि कराची से हमने शुरू करना है इस ट्रिप को और पेशावर तक जाना है, जिसमें हम डिफरेंट सिटीज़ में जाएंगे, डिफरेंट हाईवे के ढाबे रेस्टोरेंट्स को कवर करेंगे। और सबसे मज़े का पार्ट ये है कि कराची से पेशावर तक मैं इन ड्राइवर यूज़ करता हुआ जाऊँगा। तो यहाँ से हम लोग इन ड्राइवर लेंगे, सिटी में डिफरेंट जगह पर जाएंगे, बिरयानियाँ खाएंगे, कोई टिक्के कबाब खाएंगे, कढ़ाइयाँ खाएंगे, चीज़ें खाएंगे, उसके बाद फिर हम इन ड्राइवर पकड़ेंगे, हैदराबाद निकल जाएंगे, और इस तरह ही आगे हम चलते चलते पेशावर तक जाएंगे। एक लंबा, एक काफ़ी बड़ा फूड टूर है, और जिसमें आप कह सकते हो कि वन गो में हमने पूरा पाकिस्तान खा जाना है। तो ये सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो रही है इस लेजेंडरी फूड सिटी में, सिटी ऑफ लाइट्स, एंड वेलकम टू कराची। So the first part in Karachi is none other than Ghausia Nali Biryani, और Ghausia Nali Biryani लियाकताबाद में, और आपको पता है कराची में मेरी फेवरेट एक बिरयानी है। मौसम ठंडा हो या गर्म हो, हमेशा 12 महीने आपको गर्म मिलेगी। नारे मौसिया, ये मौसिया। यार जब आप कराची में हो और आपको ये चीजें देखने को मिले, तो पता लगता है कि ये वाकई कराची है। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फूड कल्चर, नए नए मज़ेदार लोग, और गौसिया मेरी एक फेवरेट बिरयानी है। जनाब क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह की रहमत है सर, आपको गौसिया ओनर हमारे साथ हैं, मुझे अपनी बिरयानी के बारे में बताएं कुछ मज़े मज़े की चीज़ें। क्यों इतनी क्यों अन्नी डाली हुई है आपने? सर गौसिया को सब लोग ऑन करते हैं, हम खिदमत गुजार हैं, गौसिया सबकी है। ये मोहब्बत है आप लोगों की, आप लोग आते हैं और आप लोगों के चैनल के जरिए लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती है। अगर आपके चैनल जो बताते हैं तो अच्छी चीज़ें बताते हैं, कहीं जाके फूड से एंजॉय करें आप, और उनके जायकों में डीप होते चले हैं। ओए होए, मुझे फुल भूख लगी है। एहसन भाई को मैंने कहा कि सबसे पहले चलेगी गौसिया की नली बिरयानी, उसके बाद कुछ और। एहसन भाई कितना फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं गौसिया? हर फोर्टनाइट पे, हर जुम्मा जो है वो, हर सेकंड जुम्मा जो है वो यहाँ पर होता है। दूसरी बात ये कि इस जगह की सबसे अच्छी बात ये कि देखिए बिरयानी तो अब इंटरनेशनल हो चुकी है, सबको पता है टेस्ट क्या है, उस पर बात करना बेकार है। बट जो एक वाइब है ना यहाँ की, जो एक एनर्जी है वो यही है, वो यही है, वो यही है। पूरे जो है वो कराची के अंदर बहुत कम जगह है जहाँ पे ये वाली वाइब और ये वाली एनर्जी आपको मिलती है। बिल्कुल ऐसी है, तो ये रिफ्रेश करके बेचते हैं आपको। ऐसी है, फुल ऑन एक्सट्रीम लेवल एनर्जी, और पीछे जो है वो बड़े बड़े पतीले पड़े हैं, उनके अंदर से बिरयानी निकल रही है, तय वाली बिरयानी, ऊपर बॉयल्ड राइस, नीचे फुल मसालों वाले राइस, उसके अंदर जो है वो नलियाँ पड़ी हुई हैं, वो निकालते हैं उसको, नली को अलग करते हैं, अलग करने के बाद वो एक परात में। वाली बात ये भी कि आपके चैनल के दोस्तों से बता दूँ, क्योंकि माशाल्लाह आपको बड़े लोग फॉलो करते हैं, मोहब्बत देते हैं, मोहब्बत है। गौसिया नली बिरयानी सिर्फ नली रखने नली बिरयानी नहीं है, ये नली और गोशी यखनी से बनती है। हाँ। ये उसी की हरूम है और यखनी में बनती है। हाँ। बिल्कुल देसी स्टाइल में, इसमें घी तेल नहीं डलता, इसलिए गौसिया नली बिरयानी दूसरों से डिपेंड है। हाँ। और सेहत के लिहाज से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल भी इसमें थोड़ा ज़्यादा रखा ही है, क्योंकि हल्दी और माशाल्लाह जो नेशनल फेड है ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। क्या बात है,
जी ये गौसिया है, ये गौसिया, ये गौसिया। अच्छा तो यहाँ पे बड़े बड़े पतीले हैं, आवाम लगी हुई है, यहाँ पे बिरयानी मिलती है किलो, आधा किलो, पाइया, इस हिसाब से कोई सीन नहीं है कि एक प्लेट दे दो या दो प्लेट दे दो या तीन प्लेट दे दो। पीछे फुल ऑन हैवी सीन चल रहा है, नलियाँ बिरयानियाँ लग रही हैं, अभी मुझे भूख फुल लगी हुई है, पहले तो माहौल देख रहा हूँ, माहौल देखने के बाद बिरयानी खाते हैं। आप यहाँ पे अगर इनकी देगचे के पास खड़े हो और बिरयानी को डलता हुआ देखो, एक प्रॉपर अरोमा फील होता है, जो जिस तरह बीफ बीफ बिरयानी और होती भी बेस्ट बीफ बिरयानी है, मतलब उसकी वो जो बीफ बिरयानी साथ में नली और एक उसका प्रॉपर आपको मसाले सूंघने को मिल रहे हैं, खाने से पहले ही एक बंदे का मजा पूरा हो जाता है। अभी हम लगवाएंगे बिरयानी किलो, मैं किलो तो खा जाऊंगा आराम से। इस लेवल का फूड क्रेज बहुत कम जगह देखने को मिलता है। हमें कौन सी बिरयानी खिला रहे हैं जनाब आप? आपको आपकी अपनी सपनों की रानी गौसिया नली बिरयानी। सपनों की रानी गौसिया नली बिरयानी, ठीक है। अच्छी चीज करके बीफ की सारा मिक्स डाल के लगवा दो, बिल्कुल शिपैक करके लगेगी, शिपैक करके लगेगी। ये गर्मा गर्म जी भाई, अभी देख खुली है। यस, ये देखिए सर, गोश्त नली ओरिजिनल की पहचान यही है। अच्छा, अब इसमें से वो नली निकालो। एक और देखे यही है गोश्त, यही है गोश्त, यही है गोश्त, लाओ निकालो इसको। नली निकलने लगी है फुल टाइम। ओहो, पूरी निकाल दी तुमने तो। हाँ, फुल ऑन नली शो चल रहा है यहाँ पे। मैं बिरयानी में मिक्स और वाइट राइस और स्पाइसी राइस को मिक्स कर रहा हूँ और मिक्स करके होए अखीर मज़ेदार यार, फुल ऑन लीथल बाइट। एक मिक का पूरे वो, मतलब ये स्टीम्ड मिक है तो उसका एक प्रॉपर जो है ना वो थोड़ी सी जिस तरह एक प्रॉपर अपनी शेप में उसको तोड़ना पड़ता है, और उसके साथ बीफ का हम एक पीस लगाएंगे। और गेम है यार इसकी। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिरयानी इज कि एक तो जो इसके अंदर जिस तरह, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ इसकी ये पसंद है कि आपको नज़र आ रहा होगा स्पाइसी ये वो, आप खाओगे आपको प्रॉपर फ्लेवर्स आते हैं, एक स्पाइस फील होता है, लेकिन वो चीज़ 1% नहीं फील होती कि ओए मिर्चें लग गई हैं या मेरे गले को या ज़ुबान को, तो कोई सीन ही नहीं है, मतलब सिंपली एक फील होता है कि माइल्ड है, लेकिन प्रॉपर फ्लेवर, प्रॉपर इसकी जो एक फैटनेस इसके अंदर है मिक्स की और बीफ की, इन्होंने फैट क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा की होती है, उसकी वजह से ये फ़ौरन खाने वाली होती है, डिलीवरी करवा के खाने वाली चीज़ नहीं है ये। इनके जो बीफ पीसीज हैं ये बीच में आपको थोड़े च्यूई बीफ भी मिलता है, फुली टेंडर बीफ भी मिलता है, जो उसके ऊपर कोई फैट नहीं कुछ नहीं, एक बर्फी कट बीफ जिस तरह से होता है वो वाला सीन है। गौसिया नली बिरयानी जो है वो हिस्टोरिकली बिरयानी नहीं है कराची की। हाँ, कराची प्रीडोमिनेंटली जो है वो बिरयानी का वाला ही शहर है। इनको 4 या 5 साल, मैक्सिमम 6 साल हुए होंगे। उसमें इन लोगों ने जो अपनी प्लेस आइडेंटिटी बनाई है, तो बाकायदा पे इंटरनेशनल हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी है, मतलब इन्होंने इतने कम अरसे में
इतना बड़ा नाम बना लिया, इतना बड़ा नाम बना लिया। जो है वो अगर आप ओवरऑल देखें तो कोई बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल मेन रोड की दुकान है, कुछ नहीं, अंदर लियाकताबाद में प्रोमिनेंट फूड प्लेस है, बिल्कुल ही एक छुपी हुई सी जगह थी, उसमें इन्होंने जो है वो बना दिया इसको, तो क्रेडिट गोस टू देम। और फिर ये खुद भी कहते हैं कि अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल। और मज़े की चीज़ ये कि एक्स्ट्रा मसाले वाले राइस और साथ में बीफ के पीसेस ये हमें मिले हैं, ये मिल जाते हैं ताकि भाई किसी को बाकी मना नहीं करते। मतलब आप इनको बोलो कि यार मुझे मसाला कम लग रहा है, वो और बीफ के पीसेस ख़त्म हो गए, वो चीज़ साथ साथ आती रहती है, तो काम रुकता नहीं है जब तक बंदा थक ना जाए यहाँ पे खाई जाओ। और अभी मैं मंगवाऊँगा अपनी इन ड्राइवर। सो बेसिकली इन ड्राइवर एक ऐप है, राइड हेलिंग सर्विस, जिसमें आप इन सिटी और इंटर सिटी ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें होता है बिडिंग सिस्टम। अब मैंने यहाँ से ऑप्शन लगा दी कि मैंने हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट जाना है, डिफरेंट ड्राइवर्स होंगे, एक स्टैंडर्ड रेट जो चल रहा होगा वो ऐप पे आपको मेंशन हुआ हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की मुझे शोर है 300 रुपीज़। अब जो मल्टीपल ड्राइवर्स हैं वो आपको पिच करेंगे, जी हम आपको 280 में ले जाएंगे, 270 में ले जाएंगे, 260 में ले जाएंगे, कोई बोलेगा 320, 300 स्टैंडर्ड, और सबके डिफरेंट कार्स आपको शो हो रही होंगी। आप अपनी मर्जी का फेयर और अपनी मर्जी की गाड़ी चूज़ कर सकते हो जाने के लिए, और आप अपना भी एक पिच कर सकते हो कि यार मुझे 200 रुपए के अंदर जाना है। अगर कोई ड्राइवर इस चीज़ पे माना, उसकी दिमाग को आपकी बात समझ आई, तो वो आपको 200 रुपीस भी आपके एक्सेप्ट कर सकता है। चलो नहीं आप लगाओगे, आप लगाओगे, आप लोग लगाओ। अबे भाई कराची में आए हैं, पान नहीं खाएंगे कैसे हो सकता है। बिरयानी भी होगी, ठंडा मीठा भी हो गया। अभी हमारा क्या प्लान है और हम किस जगह पे खड़े हैं? अब हम एक ट्रेडिशनल सफर करेंगे जो शाम का हमारा एक कराची वालों को पैटेंटेड होता है कि वो के मतलब जब ये कोई 4-5 बजे पाँच बजे के बाद सही है, वो हल्की हल्की भूख वाला जो ठीक है ओके, हम वही चीज लेते हैं छोले के साथ, या तो काठियावाड़ी छोले होते हैं या कढ़ी छोले होते हैं। काठियावाड़ी छोले बहुत कॉमन चीज़ है, काठियावाड़ी हमने लास्ट टाइम एक कोशिश की थी। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट जा रहे हैं, हम लेंगे अब कढ़ी छोले और आलू पापड़ी। कढ़ी छोले और आलू पापड़ी ये दोनों अलग अलग, कढ़ी छोले मिक्स कर दिए। जो कढ़ी जो आप साउथ में खाते हैं, हुसैनाबाद से थोड़ा सा साइड पे मेन सदीकाबाद में अब्दुल रहमान कड़ी छोले, और बंदे ने एक लेवल का अपना वो स्ट्रीट फूड स्टॉल लगाया हुआ, मतलब रेडी है, लेकिन आपको फील होता है कि हाँ ऑथेंटिक स्ट्रीट फूड। मेरा रांझा राजी हो जाता है जब मैं देखता हूँ कि चीज़ इस तरह बन रही है और कुछ माहौल लगा हुआ है, वो यहाँ पर माहौल है। मसाले आलू छोले और कड़ी और पकौड़ियाँ और जनाब पापड़, अभी ये ट्राई करेंगे कड़ी छोले आलू छोले आलू पापड़ी। और टाइमिंग क्या करी? 4 से 9 हम लोग तकरीबन 20 साल से 20 साल से ये खा रहे हैं। कैसा लगता है, क्या खासियत है? माशाल्लाह, बस आप खाते एक बार देखो, आप अपने घर पे अपने वाइफ का खाना भूल जाओगे, इसका याद करोगे इंशाल्लाह। ऐसा खाना है। क्या बात, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कराची, कि आप चलते फिरते आपने 2 मिनट का ब्रेक लेना है किसी भी जगह पे, आप स्टॉल में एक ब्रेक लें, वहाँ से कुछ भी चीज़ खाएं। हमारे पास इस टाइम 2 चीज़ें हैं, उसमें एक कढ़ी छोले हैं जो एक यूनिक चीज़ है, मतलब कढ़ी खाई हुई है पकौड़ों के साथ,
कड़ी छोले नहीं खाए थे। इसके अंदर कड़ी है, छोले हैं ब्लैक कलर के, जो चिक पीस चने और साथ में प्याज है और साथ में पापड़ी है। टेक्सचर्स का जो गेम है ना, इसमें देखिए सारे गेम टेक्सचर्स की है यार। ये लाहौर वगैरह में या पंजाब साइड पे समोसों के साथ जो चने मिलते हैं ना, ये फील बोर है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कड़ी जो घरों में खाई जाती है, थोड़ी खट्टी वाली, खट्टी कड़ी, एक्चुअल ऑथेंटिक कड़ी जो होती है, उसके साथ बीच में चने और बीच में पापड़ी ऐड हुई है, और एक सही जो है ना, वो चना आपके मुंह में ऐसे क्रच करता है आके, और साथ में जो पापड़ी का एक एक क्रंची टेस्ट है, साथ में प्याज। ओहो, ये गेम है। दूसरी चीज़ मेरे पास है जी, आलू पापड़ी। इन्होंने इतने बड़े बड़े बॉयल्ड आलू रखे हुए हैं, उनके ऊपर मसाले ऐसे फुल थिक मसाले लगे हुए हैं, और साथ में उस पूरी परात के अंदर एक ग्रेवी पड़ी हुई है, और उसके ऊपर इन्होंने उसमें पापड़ी ऐड की है, बीच में प्याज ऐड किए, और ऊपर से इसमें भी थोड़ी सी कड़ी ऐड की है। ओए यार, ऑनेस्टली कराची का आलू भी, मतलब कराची की गेम है मसालों पे। ओ और ये के ज़्यादा मसाले अपेरेंटली लग रहे हैं, लेकिन चुपते नहीं। हाँ, चुपता कोई नहीं मसाला, ये इस तरह लग रहे हैं खट्टे आलू हैं, जो उनकी ग्रेवी भी है उसके अंदर भी मसाले हैं, तो वो आलू के अंदर जो है ना मसाला समा चुका है, ऐसा फील हो रहा है, और साथ में कड़कड़ाती हुई जो पापड़ी आ रही है और प्याज आ रहे हैं, बहुत बहुत मज़े का सीन है। ऑनेस्टली मैं जो है ना, ये मतलब पापड़ी चाट टाइप चीज़ों को इतना ज़्यादा व्लॉग्स में, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, मैं इतनी अहमियत नहीं देता, क्योंकि मुझे अक्सर जगह पे ये पसंद ही नहीं आती हैं, लेकिन कसम से ये दोनों चीज़ें वो हैं कि मुझे लग रहा है कि मैं एक प्रॉपर कुछ चटखारेदार एक ऐसी चटपटी चीज़ खा रहा हूँ, कि उसमें ये जो कड़ी और छोले हैं, ये बहुत यूनिक चीज़ है। बैलेंसिंग ऑफ फ्लेवर जो है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना, ये खट्टा है, मतलब ऐसा लगता है कि आपके मुंह में के अंदर ना कुछ इस तरह सात रंग नहीं होते, सात वक्रे फ्लेवर्स आ गए उसमें, चटपटा, मसालेदार, थोड़ा स्पाइसी, लेकिन स्पाइसेस ऐसे हैं कि आपको मुंह में जाते ही फील होता है वो स्पाइसी खट्टा, लेकिन जब आप खा जाते हो बिल्कुल नॉर्मल, कोई मिर्चें नहीं लग रही। भाई कितने की प्लेट है? 60 की प्लेट। और वो कड़ी छोले 60, दोनों 60-60 रुपये में, पूरा मील है, पूरा मील है। वाह भाई, एक पापड़ी और देना यार, अगर आपको अपनी पापड़ी चाट में और क्रंच चाहिए तो इसके अंदर ये ऐड कर सकते हैं हम। हाँ हाँ बिल्कुल करें। ये आपने ऐड किया? ओए होए 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 होए। तो इस टाइम हम लोग खड़े हुए हुसैनाबाद की अंदरून गलियों में, और यहाँ से हमने जाने औरंगी टाउन। अगर मैं यहाँ पे अपनी राइड मंगवाऊँगा गाड़ी, तो वो आते आते पौना घंटा आधा घंटा आराम से, क्योंकि ट्रैफिक बहुत इस टाइम पीक पे जा चुकी है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन ड्राइवर मोटरसाइकिल, वो पकड़ेंगे और शूटर शूट निकलेंगे। ये मेरा फैसला बहुत अच्छा था इन ड्राइवर बाइक करवाने वाला, क्योंकि रश इतना है, ऐसी है ना भाई? जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। रश कितना है? रश बहुत आपके सामने देखने से बहुत अच्छा है। अगर मैं गाड़ी करवा लेता मैं यहाँ फंस जाता, तो ये इन गलियों के लिए बेस्ट है कि मैं इसी पे ट्रैवल करूँ। इतनी गलत बात है। हम लोग पहुंच चुके हैं औरंगी टाउन, और औरंगी टाउन में हम क्या खाने में आए? हम आए हैं जी तहजीब कबाब हाउस के बिहारी कबाब, तहजीब कबाब हाउस के बिहारी कबाब खाने। और जो औरंगी टाउन है, ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम। और इस तरफ मैं पहली बार आया हूँ कराची में, बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन आज पहुँचे भाई औरंगी टाउन में, एक अलग वाइब है यहाँ पे, एक एशिया का सबसे बड़ा स्लम, मैंने सुना हुआ था पहले इसके बारे में, कुछ पढ़ा भी हुआ था चीज़ें, लेकिन औरंगी टाउन एक कराची की कौन सी साइड में आता है और कितना साइड पे आई है? अगर वो करो डिप्राइव्ड साइड में आता है। अच्छा,
औरंगी टाउन में मोस्टली जो कम्युनिटी है, मोस्टली नहीं ज़्यादा, जो शुरू से चलते आ रहे हैं वो बिहारी कम्युनिटी है। तो यहाँ पे बिहारी कबाब ये मिलता है, ओल्डेस्ट बिहारी कबाब इन औरंगी टाउन, और ऑथेंटिक भी इसको बोल सकते हैं कि ऐसा मैंने ये सुना है कि ऐसा बिहारी कबाब आपको कराची पूरे में नहीं मिलेगा। वो बात मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ कि कराची का बारबेक्यू एक अलग लेवल का है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसने खाया वारे तेजी वारे तेजी। यहाँ पे मलाई बोटी होती है, बर्फी बोटी होती है, रेशमी कबाब ईरानी चटनी के साथ होते हैं, बेहतरीन कचौरी होती है, पराठे होते हैं, बिहारी कबाब भी होते हैं स्पेशली। ये 1987 से जगह है हमारी, जब से ये चला रहे हैं हम लोग। 3-4 रुपए का कबाब बेचा करते थे, अब 60 रुपए पे पहुंच गए हैं। साथ में एक यूनिक चीज़ है जो बिहारी कबाब के साथ ये सर्व करते हैं, वो ये क्या बोलेंगे इसको, कचौरी। लेकिन ये कचौरी पंजाब वाली नहीं है, पंजाब की कचौरी फिल होती है बिल्कुल, हाँ कीमे शीमे तुन के बनाते हैं वो। तो ये कचौरी है, छोटे छोटे पेड़े होते हैं, उनके अंदर एक बाबा जी बैठे हैं, उन्होंने दाल का मसाला बनाया हुआ है, वो छोटे से पेड़े में दाल का मसाला डालते हैं और उसको मतलब इतनी सी टिक्के बना के फ्राई करते हैं, और वो इतनी सी पूरी टाइप की शेप के अंदर है जो कचौरी, दाल वाली कचौरी, उसके साथ सर्व करते हैं। फ्रेश यहाँ पे बारबेक्यू बन रहा है जिसको आप यहाँ पे स्मेल कर सकते हो खड़े हुए, और साथ में कचौरियाँ फ्राई हो रही हैं, एक हैवी माहौल है, एक अलग साइड है कराची की, तो वो वाइब साथ में आ रही है। ये जायका है भाई, जायका ही है, अल्लाह ने कुदरत दी है, जायका दिया हाथों में भाई के हमारे, क्वालिटी है। लोकेशन नहीं रखते हम लोग, क्वालिटी रखते हैं, हमारे पास क्वालिटी है, लोकेशन नहीं है भाई, इसलिए क्वालिटी में लोग आते हैं, बहुत से लोकेशन देख के जाते हैं फिर वापसी इधर ही आते हैं, क्या नहीं क्वालिटी चाहिए, इसलिए क्वालिटी रखते हैं, लोकेशन नहीं दे पाते हैं। हमने मंगवाई है जी एक प्लेट मलाई बोटी, एक प्लेट बिहारी बोटी और 2 प्लेट बिहारी कबाब, क्योंकि वो बोल रहे थे बिहारी कबाब हमारी सबसे स्पेशल चीज़ है जो कि यहाँ की सौगात है, और साथ में बिहारी बोटी भी अच्छी है, लेकिन उन्होंने हमें हाईली रिकमेंड किया बिहारी कबाब। चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, यहाँ पे बारबेक्यू का धुआं इस लेवल पे है कि वो आंखों के अंदर से पानी शानी आना शुरू हो रहा है। सबसे पहले आप इसको उठाएं। ओके उठा लूँ, ये बिहारी कबाब जो है वो उन्होंने मुझे बाहर जो कच्चा भी उठा के दिखाया, वो इतनी लंबी लंबी स्ट्रिप है एक, हाँ वो जिस तरह लेंथ थी, हाँ वो टूट गया थोड़ा थोड़ा, मतलब उठाने से टूट रहा है, लेकिन यार इसके ऊपर मतलब टेक्सचर में फील हो रहा है कि वो मसाले की एक लेयर है थिक और स्मेल, हाँ गया। मैं तो जान के मुंह में रख रहा हूँ कि टेस्ट आए, वो चीज़ मेल्ट हो रही है मुंह में, लेकिन हल्का सा च्यूवी फील भी आपको दे रहा है, लास्ट फ्लेवर जो है ओह, मतलब बिहारी को आपको आपने सिर्फ ऐसे करना है और वो आपको ऐसा लगता है आप थिक मसाले को दुबा रहे हो और वो अलग हो रहा है, लेकिन ये मीट है और मीट इस लेवल पर जाके टेंडर हुआ है, ये चक्कर ये मीट है सारा जो हलवा बन चुका हुआ है, डिफरेंट मसालों का एक फ्लेवर आता है, आपको लगता है आप कीमा खा रहे हो मसाले वाला, लेकिन उसमें एक बोटी का टेक्सचर है, बहुत मज़े की चीज़ है, और ये मुझे फील हुआ है कि ये एक सही स्पाइसी चीज़ है, मतलब आपको हल्की सी ऐसे मिर्च लगाता है, मसाले लगाता है और फिर गुजरता है। बिहार के बिहारी कबाब खाओ, हाँ चले कचौरी, और इसमें मैं लगाऊंगा फुल ऑन बिहारी कबाब, और बिहारी कबाब लगा के हम इसको डिप करेंगे, इमली की चटनी साथ में मिली हुई है, और इमली की चटनी देखने में लग रहा है बड़ी लीथल है, बड़ी थिकनेस के साथ है, ये ओए थी चटनी के लिए क्योंकि वो एकदम मुंह के अंदर जाके चटनी टच हुई है ये, अच्छा ये वो चटनी नहीं है जो अक्सर इमली की चटनी होती है ना, बहुत खट्टी कर देते हैं, ऑथेंटिक इमली का टेस्ट आ रहा है, हाँ इस बाइट में मुझे मीट का इतना टेस्ट नहीं आया जितना पहले आया, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कचौरी के साथ ही खाने में, क्योंकि इसकी गेम है वैसे खाने में। साथ में जी मलाई बोटी और चिकन मलाई बोटी, और ये भी यार घुल मिल रही है, वो उठा रहा हूँ टोटली, अच्छा बीफ अगर बनाओ तो चिकन की कोई वैल्यू रहती नहीं है, सच्ची बात है बिल्कुल ऐसी। यार
खाना पीना हमारा डन और जिन्होंने इतना अच्छा खाना सर्व किया उनके लिए भी आज हम तोहफे लेके निकले हुए हैं जो भी इधर उधर नहीं पता लोगों को। उसमें मेरे पास इन ड्राइवर की 2 शर्ट्स हैं, इन ड्राइवर की हुडी है और कैप्स हैं, उसके अलावा ढेरों बैचेस हैं और उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ जो आजकल ज़रूरत भी है मास्क है और मास्क फुल ऑन क्वालिटी। तो ये मेरा ख्याल है अब हम बांटते हुए और निकले यहाँ से। चलो भाई यार इतना अच्छा आपने हमें खाना खिलाया, ये इन ड्राइवर की शर्ट है आपके लिए। थैंक यू सर। ठीक है बिल्कुल, शर्ट पहननी भी है। थैंक यू आपकी एक शर्ट है। ओके और मास्क पहनोगे? थैंक यू ये हुडी आपके लिए। अली भाई आपके साथ राइड बड़ी मज़े की थी, तो मेरे पास आपके लिए एक बड़ी मज़े की चीज़ है, ये इन ड्राइवर की शर्ट है। अच्छा, ये आपके लिए। और एक मेरे पास मज़ेदार और चीज़ है, ये इन ड्राइवर का एक बैज है। ठीक है सर, आपकी राइड बहुत अच्छी लगी और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ले जी अब पहुंच चुका है भाई हाईवे के रेस्टोरेंट पे, जो मैंने बड़े अरसे से सुना हुआ था कराची के हाईवे के रेस्टोरेंट। मैंने लास्ट ट्रिप में हैदराबाद के हाईवे पे एक रेस्टोरेंट का खाना खाया था और मैं उसका फ़ैन हो गया था। अभी ये हाईवे का कौन सा रेस्टोरेंट है, क्या सीन है इसका, क्या चक्कर है? ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ओल्डेस्ट है, इनकी एक स्पेशलिटी है। ठीक है, ये वन डिश मिलियनेयर समझ लें। वन डिश मिलियनेयर, ओए ये है इनका जी मदीना रेस्टोरेंट। ठीक है, मदीना हाईवे रेस्टोरेंट। ठीक है, इनका जो स्पेशलिटी है वो है बलोची टिक्का। अच्छा, और ट्राई फ्राई भी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन ठीक है स्पेशली आप जो है वो बलोची टिक्के के लिए आइए। ठीक हो गया, इनकी एक बलोची टिक्का कोई डिश है जिसका मुझे एहसन भाई ने बताया, तारीफ़ की है कि हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है उसका बलोची टिक्का, मिस किए बगैर कराची से नहीं जा सकते। तो आज हम पहुंचे हैं अपने लास्ट स्पॉट पे जो कि मदीना हाईवे रेस्टोरेंट। दूसरी बात ये कि ये कराची से थोड़ा सा बाहर है, काठोर। थोड़ा सा नहीं, हम काफ़ी लंबी राइड लेके आए हैं। एग्जैक्टली, ये मतलब एज फार एज कराची इस कंसर्न थोड़ा सा ही आगे हो गया, कराची के अंदर ही आप इतना फिर लेते हो। हाँ, ये हमें कितना पड़ा कराची से? बैरियर टाउन से भी आगे है, बैरियर टाउन से आगे तकरीबन ये 22 किलोमीटर। तो टोटल कराची से कितना हुआ? कराची गेट से यहाँ पर तकरीबन ये 50 किलोमीटर ही। 50 किलोमीटर मतलब आपने आना है तो यहाँ पे एहसन भाई मुझे बता रहे थे कि हम आने से पहले कॉल कर देते हैं और वीकेंड के ऊपर जो है यहाँ पे जब हम कराची से यहाँ पहुँच जाते हैं उसके बाद भी टाइम लगता है, लेकिन आज वीक डेज में तो ज़रा रिलैक्स माहौल है, तो हमारा खाना तसल्ली से हम बनता हुआ देखेंगे। अच्छा, हम क्या करवा रहे हैं, एक हाफ के जी मटन कढ़ाई, किलो मटन कढ़ाई, किलो मटन कढ़ाई, और ये कितना बना रहे हैं? बलोची थी का आधा किलो। ऑयल डाल दिया और घी मिक्स कर दिया सारा? पानी। अच्छा, पानी और ऑयल मिक्स किया, सही है। अब मीट सारा इस तरफ आ चुका है और ये हमारे एक शाका पलवान सिंह साहब हैं जो जिन्होंने सारे मसाले और सारा टेस्ट इसके बीच में डालना है, और उन्होंने मटन को जो है वो एक साइड पे पकना रख दिया है और चिकन जो है जो असल स्पेशलिटी है, मतलब मैंने एक अलग कढ़ाई के अंदर वो बनता हुआ देखा है, वो क्रेज़ी चीज़ है। ओए लहसुन अदरक पाता ही ओए। अच्छा, सबसे पहले वो कढ़ाई के अंदर ऑयल डालते हैं और पानी डालते हैं और उसके अंदर चिकन डालते हैं। अब मैंने उनसे पूछा ऑयल और पानी इकट्ठा डालने का क्या मकसद है, तो उसका मकसद ये है कि अगर डायरेक्टली वो ऑयल के अंदर चिकन को डाल देंगे तो वो इतना ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, इतना सख्त हो जाएगा कि आपसे खाया नहीं जाएगा। तो उसमें पानी डालते हैं ताकि अच्छी तरह से चिकन अंदर से बॉयल हो, टेंडर रहे और उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो सारी क्रिस्पी हो। तो ये असल गेम है।
अब उसके बाद उन्होंने ग्रीन चिलीज डाली, लहसुन अदरक डाला, अब बलोची टिक्का बन रहा है। ये उस हद तक बनेगा जब प्रॉपरली फ्राई हो जाएगा टेंडरनेस के साथ, और उसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट और उसकी आई कैन क्लियरली स्मेल इट, मतलब उसको प्रॉपर स्मेल यहाँ पे जो है ना आप कर सकते हो कि इनके रॉ ऑथेंटिक मसाले जो होते हैं कराची के, सिंध के मसाले, वो इसमें डले हुए हैं। ये देखो ये आई, ओहो, मैं तो यहाँ खड़ा होकर पूरा शो देख रहा हूँ। बलोची टिक्का रेडी उस्ताद? ओए होए होए होए, बलोची टिक्का रेडी करके उसके ऊपर अन्य वाम मसाले छिड़क के उसके ऊपर इन्होंने, उस्ताद क्यों पाया है ये तेल पाया है? मैं पंजाबी क्यों बोल रहा हूँ सिंध में? मैं आरएचएस हैरान हुआ। उस्ताद जी ऑयल डाला है या घीओ डाला है? ऑयल डाला है। ऑयल डाला है और उसके ऊपर मसाले डाले हैं, धनिया डाला है। खाना रेडी है? खाना रेडी है सर। क्या क्या है? ये रायता सलाद कचुमा। खाना रेडी है को सिंधी में कैसे बोलेंगे? मानी प्यारा। मानी प्यारा, मानी मतलब खाना, खाना मानी प्यारा। मानी प्यारा और मैंने चाय पी ली। चाय पी छड़ियो, चाय पी छड़ियो, थोड़ी देर बाद हम कहेंगे रोटी खा छड़ियो। चलो मदीना हाईवे होटल, और जो इनकी एक स्पेशलिटी है वो है बलोची, चिकन बलोची टिक्का। और आने से पहले जब उन्होंने मुझे बताया कि बलोची टिक्का है, तो मेरे जहन में आया कि अच्छा बलोची टिक्का, हाँ रेगुलर टिक्का कोयलों के ऊपर, ठीक है। जब यहाँ पे आए वो देखा, वो माहौल ही उसका अलग है यार, उसकी उसकी जो मेकिंग है वो असल चीज़ है। अभी खोलें जी, बैठक वाला माहौल, अनबॉक्स करें। अनबॉक्स करते हैं, हमारे पास है मटन कढ़ाई, वेरी डार्क ब्राउन मटन कढ़ाई और नियर ब्लैक। और दूसरी तरफ हमारे पास है जी शो स्टॉपर। ओए होए 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 होए, अच्छा बलोची टिक्का जो है ना वो देखने में ऐसे लग रहा है जिस तरह कोयटा या पूरे बलोचिस्तान में मीट नहीं सर्व किया जाता, बड़े बड़े बोटे, और वो देखने में वैसे पूरा ऊपर से मसालों से भर दिया है। और कहाँ से शुरू करें, पहले मटन या चिकन? आई वुड रिकमेंड कि आप मटन से शुरू करें, ठीक है, रीजन बीइंग कि वो जैसे ही मैंने कहा शो स्टॉपर है वो, हाँ, तो उसके बाद आपका हाथ नहीं रुकेगा। अच्छा, हाँ ठीक है। और जो कि चिकन के मटन के आगे चिकन की ऐसे कोई खास मुकत होती, हाँ, होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। और साथ में हमारे पास हैं जी तंदूरी पराठे, तो मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह करें तंदूरी पराठे की कड़कड़ाती हुई एक बाइट। और ओए होए होए, ओए होए होए, नलियाँ वलियाँ डाली हैं भैया, नलियाँ वलियाँ डाल दी हैं आज। वो यार एक दफ़ा तो मुझे फ़िलहाल समझ नहीं आई, वो ऐसे गुजर गया बस। अच्छा लेट्स चेक द टेंडरनेस लेवल। ओह मतलब मसाले बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मटन को इस लेवल तक टेंडर नहीं होना चाहिए, शायद शायद कढ़ाई में नहीं होना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल, रोश वोश हो तो चले, समझ में, क्योंकि बीफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंडर हुआ हुआ बहुत अच्छा लग रहा होता है। मटन ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नरम हो गया, थोड़ी सी चुई ना, थोड़ी चबाने में आना चाहिए। यही तो बात है, मटन की गेम ही होती है, लेकिन मसाले बहुत मज़े के हैं। अब ये यार ग्रेवी इस कदर मज़ेदार है कि ऑनेस्टली बताऊँ, ग्रेवी इतनी मज़े की है, मसालों की ये वाइब ना होती ना, ये नहीं खाया जाना था। हाँ पूरा बोट उठाएंगे। अच्छा यार मैं मानता हूँ कि हाईवे का अच्छा मशहूर रेस्टोरेंट है, बलोची टिक्का खाने से पहले जज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ऑथेंटिक असल नस्ली मटन कढ़ाई आपने खानी है ना, वो कभी भी प्रेशर कुकर में नहीं डलती, इन्होंने प्रेशर कुकर में उसको गलाया है। हाँ मतलब एक तो ढाबा है, मतलब ये हाईवे का ढाबा है, इसको तो वो जेब नहीं देती चीज़ कि वो प्रेशर कुकर में डाल दें। असल में ये वो वाली बात है ना राना साहब, कि इनके पास रश इतना है, अगर इसको उसमें बनाएंगे ना, तो जहाँ पे इन्होंने 4 कस्टमर भुगताना है ना, वहाँ पे वो यार देखें, हाँ इलियास दुम्बा लाहौर में 2.5-3 घंटे का वेट होता है वीकेंड्स पे, नॉर्मल डेज में भी बहुत, उसकी कढ़ाई कच्चा गोश्त कढ़ाई में जाता है और कढ़ाई से ही निकलता है, और वो चीज़ होती है खाने, मज़े का ही है, बिल्कुल नहीं कह रहा कि मज़े का नहीं है, आई एग्री, लेकिन ये मज़े का अपने मसालों की वजह से लग रहा है, वरना मटन का। हाँ अब ये है कि आपका खाना है सर, एक तो पहले लेग उठा रहे हैं, सबसे पहले सीधा ही लेग उठाए, कुकड़ी द पट पट
ठीक है। ओए होए होए होए, कि मतलब इस तरह का चिकन प्रेजेंट होता हुआ मैंने नहीं देखा हुआ, कि ऊपर मसाले लहसुन अदरक का एक थिक जो पेस्ट है। अब क्या करें इसका, तो इसको आप ऐसे ही खींच बस रगड़ जाएं। बलोची टिक्का, या अल्लाह इस बलोची टिक्के की इज्जत रख। थोड़ा मुंह में घुमाइए। ओए होए 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 यार, हमें किलो ये करवाना चाहिए था और आधा किलो वो करवाना चाहिए था। एक्चुअली यही रहा। ओए होए यार, यार इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो टाटरी टाइप है, खट्टा। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आपको कहीं से ये फील हो रहा है कि मसाला रॉ है, ऊपर से डला हुआ है? लग रहा बना हुआ उसके अंदर, और ये ऊपर से छिड़का है इन्होंने, अन्य बात छिड़का है। अच्छा, टेक्सचर ऐसा जिस तरह बिल्कुल अक्सर लाहौर की सड़कों गलियों में वो सीधा चिकन को तेल में फेंकते हैं, वो सख्त होकर फ्राई होगा था, चरगा जिसको कहते हैं, चरगा चरगा, लेकिन वो बहुत सख्त वाला होता है इस तरह के पीसेस। लेकिन इसके ऊपर से सारी फ्राई वाली वाइब है और अंदर टेंडरनेस है, पूरी टेंडरनेस है। मसाला एकदम से आपको लगता है कि बड़ी खटास आई है, फुल ऑन सॉल्टी फील करवाता है। और उसके बाद आपको जिस तरह आप कोई चाट खा रहे हो ना, चाट के मसाले होते हैं। खैर जी, ये था हमारा कराची में आज फूड का पाकिस्तान का पहला दिन। एसन भाई, आप इस सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हैं? ये बहुत, फ्रेंकली स्पीकिंग, जब सुना है ना कि इतने सारे मल्टीपल शहर हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि स्टार्टिंग इज फ्रॉम कराची, स्टार्ट कराची से, क्योंकि कराची एक तो जान है खाने की, प्लस एक हब ऐसा है कि कराची से हम शुरू करेंगे, पेशावर तक जा रहे होंगे। तो आज फूड का पाकिस्तान का पहला एपिसोड था। पहला एपिसोड आपको बनता हुआ देख के कैसा लगा? इनको तो मतलब नज़र आ गया ना कि ये था बिहाइंड द सीन्स। ये जितना इनको अच्छा लगेगा ना, वो जिस तरीके से शूट हुआ है, ऑब्वियसली वेल द प्रोसेस देखा है वो, सो अब आप समझने से आपको नजर आ रहा है, मैंने वो फील किया है, मैंने वो सूंघा है, मैंने वो स्मेल किया है, मैंने वो टेस्ट भी किया। आपको दो दफा वही चीज नजर आनी है और सूंघने को मिलने। खैर, ये था जी हमारा आज फूड का पाकिस्तान का पहला दिन कराची में, और इंतहा से ज़्यादा मैं जब भी कराची आता हूँ, मुझे इसके खाने, इसका एक कल्चर, इसकी एक वाइब और जो बिजनेस है इस शहर की, वो बहुत मज़े की लगती है। और एहसन भाई, लास्ट टाइम भी जब मैं लास्ट ईयर कराची आए हम लोग, तब भी एहसन भाई ने पूरा हमें एक हैवी तरीके से होस्ट किया था, कि मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतना एक बंदा किसी का करता है आज के दौर में, तो मुझे थोड़ी सी वो उसमें ना शक होने लग जाता है। लेकिन नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच एहसन भाई कि इतना प्यार आप देते हैं और इतना टाइम निकाल के ये सारा सीन हम लोग जो करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। खैर, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को दुआओं में याद रखना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।